बात होगी उस विषय की जो उत्तराखंड की पीड़ा है। मैं बात कर रहा हूं गांव में सन्नाटे की और सियासत में शोर की। गांव में सन्नाटा, सियासत में शोर। आप कहेंगे कि आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया किस विषय की बात कर रहा है। अक्सर इस वक्त हम आपको विधायकों का, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताते हैं। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड बताने दिखाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि दावों और दावों के इतर हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर तस्वीर क्या है। एक के बाद एक विधायकों और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखाया, वहां का हाल बताया, वहां की तस्वीर को बताया, तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को हमने टटोला। लेकिन आज जिस विषय को हम लेकर आ रहे हैं वो विषय उत्तराखंड की सियासत की नहीं, उत्तराखंड की पीड़ा है, उस पलायन की पीड़ा जिसका दंश उत्तराखंड झेल रहा है पिछले 21 सालों से। उत्तराखंड युवा हो गया लेकिन युवाओं का पलायन यहां से हो गया। जब उत्तराखंड युवा हुआ तो युवाओं के पलायन से उत्तराखंड इस वक्त तड़पता हुआ दिखाई दे रहा। हर बार सियासत ने शोर सुनाई दिया लेकिन गांव में सन्नाटे को लेकर किस सरकार ने क्या किया, यह अपने आप में एक सवाल है। हकीकत यह है कि योजनाओं के इतर पलायन के आंकड़ों पर जब सवाल खड़े हुए कि उत्तराखंड में पलायन हुआ तो हुआ कितना, कहां से कितना, कितने आंकड़े हैं, कितने युवा, कितने बेरोजगार, सवाल बड़ा था। और हकीकत यह थी कि 2018 में जाकर त्रिवेंद्र सरकार ने यह तय किया कि पलायन आयोग का गठन किया जाए। आज पलायन आयोग का गठन हुआ लेकिन पलायन आयोग के गठन के बावजूद धरातल पर तस्वीर यह है कि आज भी रिपोर्ट के मुताबिक 1702 गांव ऐसे हैं, 1702 गांव जो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं, सन्नाटे में पसर चुके हैं। और ये हकीकत है, पलायन आयोग की रिपोर्ट है कि 1702 गांव जहां पर राज्य की 3,946 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 118,981 लोग स्थायी रूप से अपना गांव छोड़ चुके हैं, जबकि 6,338 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 383,627 लोगों ने अस्थायी रूप से पलायन कर दिया। और रिपोर्ट बताती है कि पलायन की दर उत्तराखंड में 36.2% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से, जो कि राष्ट्रीय औसत है 30.6%, उससे भी कई गुना ज्यादा। तो यानी पलायन नहीं, ये श्राप है उत्तराखंड के लिए। और ऐसे में आज भी एजेंडे में राजनीतिक दलों के पलायन तो है लेकिन पलायन रुकेगा कैसे, इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं है। और आज उसी विषय को लेकर, उत्तराखंड की पीड़ा को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपके बीच में आ रहा है। कुछ आंकड़ों का भी जिक्र हम लगातार करेंगे। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं जयसिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड की सियासत में वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बेबाक अंदाज से तमाम मंचों पर अपनी बात को रखा, जो उत्तराखंड की पलायन की पीड़ा है। जयसिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से पुष्कर जुड़े हुए हैं, चमोली से। चमोली की भी एक स्थिति यह है कि यहां पर भी 106 गांव ऐसे हैं जो कि पलायन का दंश झेल रहे हैं। और सबसे ज्यादा स्थिति अगर भयावक है तो पौड़ी जिले की है, पौड़ी में, जहां पर 517 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। मैं सीधा रुख करूंगा सबसे पहले जय सर आपके पास। थैंक यू सो मच, आपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला। अक्सर इस वक्त पर जय सिंह सर, मैं कार्यक्रम लेकर आता हूं रिपोर्ट कार्ड, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड हम टटोलते हैं कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, ग्राउंड जीरो पर तस्वीर क्या है। लेकिन आज हमारे चिंतक, आप पलायन के विषय पर, इस विषय पर हर कोई कह तो रहा है लेकिन पलायन की हकीकत क्या है और पलायन दूर कैसे होगा, पलायन को रोका कैसे जाएगा, उस पर किसी का रोड मैप नहीं है। तो मैंने कहा आज इस कार्यक्रम को हम लेकर जाएंगे। मैंने खास तौर पर आपको आमंत्रित किया है सर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये गांव में सन्नाटा है, सियासत में शोर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जय सर, आपकी प्रतिक्रिया।
देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव है, बेहतर जिंदगी चाहता है, नई नई चीज चाहता, नई चीज देखना चाहता है। और खबरें भी क्यों पढ़ते हैं, टेलीविजन क्यों देखते हैं, कि उसमें नयापन होता, नई चीजें, नई नई बातें आती है, वो होता है। तो बेहतर जिंदगी का सवाल है, इसका मतलब पहाड़ों में जो है, जहां से पलायन हो रहा है वहां बेहतर जिंदगी नहीं है, लोग पहाड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग जा रहे हैं। तो इतने सालों तक क्यों नहीं वहां पर हो पाई, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी जो पहले से है, शिक्षा की वहां समस्याएं हैं, आपका जानते हैं स्कूल में वहां मास्टर नहीं जाते हैं, ये भी कई बार आता है कि महिलाएं जो अस्पताल आते आते, देहरादून आते आते, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते आते रास्ते में ही बच्चों का जन्म हो जा रहा है। कई बार तो ये हुआ कि चमोली से एक बार आ रही थी महिला, श्रीनगर के आसपास आते, बस से उतरी, वहीं पर बस के किनारे, सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दे दिया। वही यहाँ, यही नहीं, देहरादून जिले में जो जौनसार बाबर इलाका है इंटीरियर, वहां भी कई बार हो गया। उत्तरकाशी में कई बार जो उस पुरोला वाला साइड है, कई बार वहां महिला डॉक्टर नहीं है। तो वो मूलभूत जब सुविधाएं नहीं होंगी तो लोग बेहतर जिंदगी के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, रोजगार के लिए तो आते ही, पहले से भी आते थे, लेकिन बेहतर जिंदगी। दूसरी बात यह है कि जो वहां पर जो जमीन है, आज समस्या असली ये हो गई है कि जो लोग वहां बसे हुए हैं, क्योंकि वहां आबादी कम हो गई, गाँव के जो जो खेत थे वो बंजर हो गए, कई जगह वहां झाड़ियां, जहां फसलें उगनी थी वहां झाड़ियां उगी, तो जंगली जानवर घरों के नजदीक आ गए हैं। पौड़ी में खासकर सबसे ज्यादा ये समस्या है, पौड़ी जिले में, अल्मोड़ा जिले में, वो जो बस्ती के करीब बंदरों के आ जाने से, भालुओं के आने से, आपके लेपर्ड जैसे पहाड़ों में बाघ कहते हैं, उनके आ जाने से उन लोग जो वहां हैं भी, उनकी जिंदगी बदतर हो चुकी है। थोड़ा कुछ बोएंगे तो सुअर उनका फसल खा जाती है, बंदर खा जाते हैं, आप पेड़ नहीं उगा सकते हैं, मतलब कोई फल उगाएंगे तो वो बंदर आ जाते हैं, लंगूर आ जाते हैं। वो जो आज वहां रह भी रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी कठिन है आप समझ सकते हैं। यही नहीं, आप देखिए, जहाँ आप समझते स्कूल, स्कूल में बच्चे तो चाहिए ना, स्कूल तभी तो स्कूल खुलेगा। जब पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी तो उसके बाद क्या होता है कि गांव में बच्चे भी कम हो जाते हैं, बच्चे कम हो गए तो स्कूल बंद हो गया। जो स्कूल बच्चे के लिए 1 किलोमीटर पर था, वो अब स्कूल बंद होने से दूर चला गया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर चला गया, बीच में जंगल है, बीच में आप नदी नाले हैं, तो वो जिंदगी है भी वहां पर, चिंता तो उनकी है। दूसरा आप देखिए कि आपका इस समय जो पहाड़ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ का 84 point something लगभग 85% जो भाग है पहाड़ी इलाका है ना, माउंटेन रीजन है वो, और जो बाकी रिमेनिंग 16% है वो मैदान का इलाका है। तो जो ये आपके 84.6% है, उसमें कितनी आबादी है, 48% आबादी रह गई है, जो 2011 की जनगणना बताती है। लेकिन जो कुल ये 15% या 16% जो भूभाग है, उसमें 52% जनसंख्या पहाड़ की आके माइग्रेट यहाँ पर आके कर गई। तो उससे जनसंख्या का जो एक जगह पर जो कंसंट्रेट हो जाएगी, तो आप ये समझिए वहाँ नागरिक सुविधाओं की क्या स्थिति होगी, नहीं पर्यावरण की स्थिति। मैं इसका एक उदाहरण भी दूंगा, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल विस्तार से उस बात को समझाया, मैं ग्राउंड जीरो पर जाना चाहूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त पुष्कर भी जुड़े हुए हैं चमोली से। पुष्कर, चमोली की मैं स्थिति देख रहा था, 106 गांव वहां पर भी ऐसे हैं जहां से पूरी तरह से पलायन हो गया, गांव पूरे के पूरे खाली हो गए। दावे तो हर बार किए गए, इस बार भी आम आदमी पार्टी देखिए, वो कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे। रोकेंगे कैसे, उनके पास क्या एजेंडा है मालूम नहीं। उत्तराखंडियत की बात हरीश रावत जी कर रहे हैं, लेकिन वो पलायन रुकेगा कैसे, जब सत्ता में थे उन्होंने क्या किया उसको रोकने के लिए, उसके पास उनका जवाब नहीं। अब धामी सरकार कह रही है कि हम रोकेंगे, लेकिन पलायन आयोग का गठन होने के बाद उस पर इंप्लीमेंट कितना हुआ, अभी मैं जैसर से उसको भी चर्चा करूंगा, कि आंकड़े हैरान करने वाले हैं। लेकिन चमोली की क्या स्थिति है जरा बताइए पुष्कर। बिल्कुल देखिए तिलक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चमोली का जिक्र आपने किया कि 106 गांव जो है यहाँ से पलायन वाली खाली हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शिक्षा हो, चाहे आपका सड़कें हो, या बिजली हो, या पानी हो, तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, क्योंकि यदि ये मूलभूत सुविधाएं पहाड़ों को मिल जाएंगी, या पहाड़ों की जिस तरह से जो दिनचर्या, हम इसको कहेंगे कि पहाड़ी भाषा में मैं इसको बोलूंगा कि दिनचर्या, कि आदमी जो है अपनी दिनचर्या कैसे अपने विराम करेगा, कैसे जो अपने बच्चों को
जनपद चमोली की खबर हम लोग भी भेजी थी गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ की जो लड़की डंडी कंडी के सारे लोग हैं रास्ते में लड़की में लड़के जो जो गर्भवती महिला थे उसने उनको जन्म दे दिया। तो बदहाल से बदहाल स्वास्थ्य की सेवाएं जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, और चाहे आप चमोली की बात ही क्यों करें, आप रुद्रप्रयाग देख लीजिए, आप चंपावत देख लीजिए, आप टेहरी देख लीजिए, आप तो तमाम सारे जो सरकार है सरकार दावे तो करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपका यूकेडी हो, या चाहे आपका कांग्रेस हो, दावे करते हैं लेकिन ग्राउंड ग्राउंड जीरो पे नहीं होते। क्योंकि अभी भी हम जो है अपनी राजधानी जो अभी हम तय नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है। तो प्लान तो होगा ही, 2018 में जैसे आपने कहा कि प्लान आयोग ने भी प्लान कर दिया पौड़ी से, वो भी देहरादून की तरह शिफ्ट हो गया है। तो पहाड़ी जो जिले हमारे हैं यहाँ पे जो दैनिक स्थिति है, चाहे बिजली हो गया, चाहे पानी हो गया, चाहे स्वास्थ्य की जो सेवाएं है या शिक्षा की जो सेवाएं है, ये ना से ना के मतलब जो जनपद चमोल की बात करूँ तो 106 गाँव इसीलिए तो प्लान के थराने वाला ब्लॉक आप ले लीजिए, 17-18 गाँव ऐसे हमारे जो जनपद चमोली के हैं यहाँ से हमने प्लान कर दिया है। घाट वाला ब्लॉक आप ले लीजिए, यहाँ से भी क्योंकि लोग जो है भूस्खलन की स्थिति होती है, सरकारी दावे करती है कि आपको जो पुनर्वास किया जाता है लेकिन पुनर्वास नहीं हो पाता है। मैं अभी अभी जनपद चमोली का मुख्यालय की आपको बात करूँ कि सरतोली एक ऐसा गाँव है या राशि मुझे ऐसा गाँव है जिसको जो है 2006 से जिसने प्लान की अप्लीकेशन लगा के वो शिफ्ट करने की बात करें लेकिन यहाँ पे प्लान नहीं होता, लेकिन गाँव वालों ने यहाँ से प्लान कर दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं इनको लेकर जो है सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार बने या भारतीय जनता पार्टी सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैसर मैं देख रहा था एक रिपोर्ट जो प्लान आयोग जो गठन हुआ उसकी रिपोर्ट में देख रहा था 2018 में, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। प्लान की चिंता सबको है कि रोके कैसे उस पर काम हो, आंकड़े क्या है किसी को मालूम ही नहीं था। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने इस आयोग का गठन किया प्लान आयोग का, अब मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। प्लान आयोग की रिपोर्ट में देख रहा था जैसर, उसके मुताबिक तय किया गया था कि जो पहले चरण में उन गांव के लिए जो जहां पर 50% लोग प्लान कर चुके हैं, 350 गांव चिन्हित किए गए। हैरानी की बात, 350 गांव चिन्हित किए गए और योजना की धनराशि भी स्वीकृत हो गई। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि योजना की जो धनराशि स्वीकृत की गई उसमें से जो धनराशि स्वीकृत हुई उसमें काम ही नहीं हुआ, वो धनराशि सरेंडर करनी पड़ी। मतलब योजनाएं आपने बना दी, धनराशि भी दे दी आपने, और धनराशि देने के बावजूद योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए आप पैसा ही नहीं खर्च कर, उसको पैसे को बजट को आपने सरेंडर कर दिया। जैसर ये तो हकीकत है। बिल्कुल, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है ना, अब जब किसी एक दल का नाम तो सबका एक जैसे है इस मामले में, वो मत केवल दिखावा कर रहा। अब सुनिए, एक समस्या भी उसका भी बता रहे थे, जैसे स्कूलों में समस्या मास्टर की है। अरे मास्टर जितने बड़े नेता हैं, जो सब सक्षम लोग हैं, वो अपनी पत्नियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को देहरादून ले आया, कोई कोटद्वार ले आया, कोई रामनगर ले आया, कोई हल्द्वानी ले आया, आप समझ रहे, कोई दिल्ली लेके चले गए। तो इस तरह आप मतलब लफाजी तो करो साहब, प्लान आयोग है प्लान आयोग, लेकिन आप सिंसियर कहाँ हैं? डॉक्टर वहां जाना नहीं चाहता है, मास्टर वहां जाना नहीं चाहता, कर्मचारी वहां जाना नहीं चाहता, और सब सिफारिशी जो नेता है अपने लोगों को नीचे ले आते हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। दूसरी बात, आप क्या जो योजना बनाओ ना, योजना तो ऊपर से थोपी नहीं जा सकती। योजना तो ऐसी होनी चाहिए कि माना जिस गांव, माना इनका सरतोली की बात कही या गैरसैंण की तरफ की बात होगी, कोई दूसरी बात है, उस गांव की आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, वहां पर वहां विकास की जरूरत क्या है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, उस हिसाब से तो होगा ना। इस हिसाब से करते नहीं, ऊपर से आप योजना थोपती, साहब उससे नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ तिलक, जब तक ये कहते ना कि अगर इन्होंने पलायन रोकना है तो सबसे पहले पंचायती राज जो है, पंचायती राज के बारे में ईमानदार होना पड़ेगा, पंचायतों को अधिकार देने पड़ेंगे जो उसके संविधान के जो वो है और संशोधन है, 73वां संशोधन है, उसके हिसाब से जो 29 विभाग पंचायतों को देने की बात हुई थी, अगर इतने विभाग इतने काम अगर पंचायतों को दे दिए जाएं और बोल दिया जाए कि भाई कोई ग्राम प्रधान हो, जब तक वो गांव में नहीं रहता है, ऐसा मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो यहाँ देहरादून में रहते हैं, कोई कोटद्वार में रहते हैं और पंचायत चुनाव को आते हैं तो बीबी के नाम पर वहां टिकट ले लेते हैं, चुनाव वहां लड़ लेते हैं और
पैसे वैसे खर्च करके जीत जाते हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। बोलना पड़ेगा जो गांव का निवासी, मैं मेरा गांव भी चमोली में है, लेकिन मैं यहाँ देहरादून में बैठा हुआ, कल चुनाव की बात आएगा गांव में चला जाऊंगा, सब अपने गांव को मैं हो जाऊंगा, तो ये तो नहीं चलेगा। जो वहां रह रहा है, जो वहां की परिस्थितियों में जी रहा है, वो विषम परिस्थितियों में जी रहा है, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसके विकास की, तरक्की की, तो पहला अधिकार उनको है। हुआ क्या, मास्टर की बात में कर रहा हूँ, लोगों ने कहा कि भाई बीटीसी है तो अपने, जैसे मैं यहाँ देहरादून बैठा हूँ, माना मेरा लड़की है, लड़का है, अपने गांव से मूल प्रमाण पत्र लिया है, गांव में बीटीसी की पोस्ट निकली, वहां जाके अपना नौकरी मिल गई, जबकि हम वहां रहते नहीं है। और जब वैसा हुआ, बाद में सिफारिश ही अपना सिफारिश करके वो नौकरी लगी, उसको करके देहरादून लिया है या दूसरी जगह लिया है। इस तरह से दोगली बातें, मतलब हम इंटेलेक्चुअल को या कोई भी हो, दोगली बातों से काम नहीं चलेगा। नहीं तो फिर अगर आपको उत्तराखंडियत की बात कौन कर रहा है, फिर तो ये नारों में हुई ना सिर्फ उत्तराखंडियत की बात। yes, हम नारे लगा रहे हैं कि उत्तराखंडियत उत्तराखंडियत, फिर उत्तराखंडियत की बात, लेकिन आप जब सत्ता में थे आपने क्या किया? अगर आप पलायन रोकने की बात अब कर रहे हैं तो आप भी तो सत्ता में थे तो आपने क्या किया, सवाल जनता पूछेगी ना आपसे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रहे कि हम पलायन रोक देंगे, आपके पास रोड मैप क्या है? आपको ये नहीं मालूम, आज तक कभी गैरसैंण नहीं गए लेकिन गैरसैंण को राजधानी बना देंगे, यहां आके घोषणा आपने काशीपुर में कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी का जिक्र करें, कांग्रेस का जिक्र करें, आम आदमी पार्टी का, किसी का फोकस क्लियर है सर पलायन को रोकने के लिए, लगता है आपको? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना कि जब तक आप पंचायतों को अधिकार नहीं देंगे, त्रिस्तरीय पंचायतों को, और उनको जब तक ये नहीं बोलेंगे कि वही चुनाव लड़ेगा, ग्राम प्रधान वही बनेगा, ब्लॉक प्रमुख वही बनेगा जो उस ब्लॉक का मूल निवासी है, जो वही रहता है, ग्राम प्रधान वही महिला बनेगी, वही पुरुष बनेगा जो उस गांव का स्थायी निवासी, ऐसा नहीं थोड़े दिन के लिए वहां चला गए, और इन पंचायतों को पूरे अधिकार दे दिए, वो ग्राम सरकार बने ना, जैसा 73rd अमेंडमेंट का जो मूल भावना है उसके हिसाब से। लोकतंत्र का डिसेंट्रलाइजेशन जब होगा, जब सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता जब गांव स्तर पर जाएगी, गांव में सत्ता जाएगी, गांव वालों के हाथ में अधिकार आएंगे, सत्ता आएंगे, तो होगा, वो अपने विकास के लिए बनाएंगे, अपनी विकास की योजनाएं बनाएंगे, एंड विकास कैसे हो जो उनको जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से थोपे, देहरादून से थोपे, पहले लखनऊ से थोपते थे, अब देहरादून से थोपने लगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। बिल्कुल पुष्कर, 21 साल का युवा है हमारा उत्तराखंड, और सबसे ज्यादा युवाओं ने पलायन किया, आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन यहाँ पर 702 गांव की जो संख्या हम देख रहे थे उसमें से अधिकतर जो नौजवान है 25 साल से कम वाले या फिर 25 साल से 35 साल की आयु वाले, वो जो हैं पलायन कर रहे हैं। मजबूरी बताई, सिर्फ और सिर्फ रोजगार नहीं है बल्कि शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, जब उत्तराखंड में पहाड़ की पीड़ा को आप समझेंगे नहीं तो पलायन नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे में अगर मैं बात चमोली की करूं, जहां से आप खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, चमोली की क्या तस्वीर है, चमोली के क्या हालात हैं? बिल्कुल देखिए तिलक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने कहा कि जो युवा है, युवा जो है, क्योंकि गढ़वाल का जो युवा होता है वो रोजगार के लिए जो है या दिल्ली भटकता है या बंबई भटकता है या अन्य शहरों को जाता है। जनपद चमोली की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है 17 जो है जो विद्युत लाइन, जो विद्युत पैदा करते हैं, तो यहाँ का जो लोकल जो है यहाँ पे कभी नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए वो नौकरी के लिए जो है बाहर जाता है, क्योंकि TSDC यहाँ पे है, NTPC यहाँ पे है, और आपका जो है हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे पीपल कोटी में है, आपका जोशीमठ में है, तमाम सारे जो योजनाएं हैं और जो परियोजनाएं हैं, इन पर यदि लोकल आदमियों को यदि रोजगार मिले, लोकल लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाए तो ये प्लान नहीं होगा। लेकिन सरकारों को जिस तरह से सरकारें आई गई, या हमें कह सकते कि जो युवा हमारे यहाँ से प्लान करें, इनके लिए एक बेरोजगारी के लिए एक ठोस आंकड़ा जो है या ठोस कानून इसको बनाना चाहिए कि यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट लगे, चाहे वो विद्युत से हो, चाहे वो आपका चार धाम यात्रा से हो, या तमाम सारे, या हमें कह सकते कि उत्तराखंड को जो पर्यटन के नाम से जाना जाता है, पर्यटन एक ऐसी नीति बनाए कि यदि बद्रीनाथ यात्री में बद्रीनाथ के लिए यात्रा आती है, यहाँ का लोकल यदि यहाँ पे, चाहे आपका GNBN हो,
चाहे आपका ओली का जैसा पर्यटन वाला स्थल है, तो यहाँ पे इनको लोगों को रोजगार जैसे का दिया जाता है, लेकिन जो लोकल यहाँ पे होते हैं इनको रोजगार नहीं मिलता है। तो बाहर से लोग जो आते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, वो लोग यहाँ पे रोजगार करते हैं। हालांकि जनपद चमोली में पर्यटन की बहुत सारे अपार रोजगार के बहुत सारे साधन है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने TSDC का देखा होगा, लोकल यहाँ पे कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने या तो बिहार का होगा, या दिल्ली का होगा, या अदर स्टेट का होगा, वो यहाँ पे नौकरी करता है। इसीलिए लोगों को जो है प्लान करना पड़ता है। तो एक प्लान को लेकर, नौकरी को लेकर जो है तमाम सारे ठोस से ठोस जो है सरकारों को जो है यहाँ पे नियम विजन क्या है, किसी राजनीतिक दल का कोई विजन दिखाई दे रहा है जय सर आपको? कोई तो विजन होगा ना कि भाई हम प्लान रोक देंगे। कैसे रोक देंगे आप 21 सालों में? आप तो क्यों नहीं रोका, कोई विजन जय सर? देखो प्लान रोको प्लान रोको, कोई मतलब जय हिंद जय हिंद जय हिंद कैसे होगा ये नहीं मालूम, वो सब नारेबाजी है। देखो पुष्कर ने अभी एक बात बताई, यहाँ इतने प्रोजेक्ट है लेकिन उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। क्यों मिलेगा? जब क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। यहाँ पर आपके इतने ITI हैं, इतने पॉलिटेक्निक हैं, ITI हैं, आप जाको कहीं पर भी आपको मास्टर पूरे नहीं मिलेंगे, पॉलिटेक्निक में आपको टीचर पूरे नहीं मिलेंगे। और अगर यहाँ स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हो, यहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों को वहाँ का स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए ताकि उसी पावर प्रोजेक्ट में वो चलें। माना TSDC वाले हैं या NTPC वाले हैं, उनको कम से कम JEE लेवल के लोग हैं, कुछ इससे उससे नीचे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन वो तभी मिले, JEE का अधिकार मेरे को JEE बना देंगे, मैं तो नहीं काम कर सकता ना, तो उस प्रोजेक्ट पर तो उनको चलना ना, वहाँ के लोगों को इस काबिल बनाना पड़ेगा ना कि यहाँ की संभावनाएं क्या है, वो होना चाहिए। एक तिलक एक और समस्या है ना पहाड़ की, जो आपदा हो रही है, जो सिमट के सामने एक गाँव चाई गाँव है, वो कई साल हो गए वो फिसल गया, तो कई बार हो गया वहां के लोग, कई दिन तक इन्होंने क्या किया, जोशीमठ में उनको शरणार्थी बना के रखा हुआ, थोड़े दिन बाद हुई तो आई गई बात होगी, वो भी एक प्रोजेक्ट, उससे नीचे एक सुरंग आती है विश्वमरिया प्रोजेक्ट की, उसकी वजह से वो पानी लीक कर रहा था और ऊपर जो है सारा गांव खिसक गया, वो अभी भी खिसकना। ऐसे कई गाँव आपने उनके चाई गाँव के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या हुआ? मैं 98 से देख रहा हूँ, जब से वो हुआ था मालपा की ट्रेजरी हुई, उसके बाद यहाँ हुआ था केदार घाटी में, निरंतर हो रहा, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, वहाँ कई गांव संवेदनशील है, वो खिसक रहे हैं, लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है, उनका स्थायी रहने के लिए क्या इंतजाम था? 2013 में जब इतनी बड़ी बात आई तब ये बात हुआ था कि हम जो संवेदनशील गाँव है, सरकार ने कहा 400 गाँव यहाँ पर संवेदनशील है, इनको हम रिलोकेट करेंगे। रिलोकेट करेंगे कहाँ? उनके लिए सुरक्षित जगह चाहिए ना, सुरक्षित जगह के लिए थोड़ा इन्होंने कहा भाई हमने तो भूगर्भीय सर्वेक्षण भी करा दिए, लेकिन कहाँ पर आपने किए, उसके लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो आपको क्या हुआ वो, क्योंकि यहाँ दिक्कत एक तो राजनीतिक अस्थिरता है, जिन मुख्यमंत्रियों को अपना भविष्य पता नहीं, 3-3 महीनों में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, तो वो आने वाली पीढ़ी का, हमारी आने वाली पीढ़ी का कम से 100 साल 50 साल के बारे में क्या सोचेंगे, ये भी तो दिक्कत उसमें आ रही है। और अगर होता तो ये, मैं आज से नहीं, 400 गांव हैं जिनको रिलोकेट किया जाना है, बहुत ही खतरे में है वो, अपनी जान बचाने के लिए रुद्रप्रयाग के पूरे केदार वैली के लोग इधर आएंगे या नहीं आएंगे, कहां जाएंगे? मैंने समय ज्यादा ले लिया और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रख रहे थे और बता रहे थे कि असली में पहाड़ की पीड़ा क्या है। और वाकई में जो बात पुष्कर ने भी कही, हकीकत यही है, जब खुद नेता पलायन कर जाए पहाड़ से मैदान की तरफ, तो पहाड़ की पीड़ा समझेगा कौन? यही तो है, सिर्फ चुनावी दावों में शोर है नारों का, लेकिन गांव में सन्नाटा आज भी है। जय सर, थैंक यू सो मच, आपने न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे हमारे सहयोगी पुष्कर चमोली से। तो ये थी गांव की तस्वीर जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन पलायन नहीं है अभी, शाप है, श्राप है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। पलायन की पीड़ा दूर कैसे होगी, ये आज भी अपने आप में एक ऐसा, जिन आंकड़ों को देखकर हैरान होना वाजिब है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ दावों का शोर करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। और ग्राउंड की हकीकत हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।